सो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल सभी के, मैं हूँ आप सभी के दोस्त। तो क्या करेंगे भाई, और ये था हमारा टीडीएम का मैच। और टीडीएम के मैच में यार तुम देखो, ये मैंने एरिना ट्रेनिंग लगाया था, और फिर देखो यार, फिर मैं देखता हूँ उजी और M4 का कॉम्बिनेशन अलग ना अलग ही आता है। जिसको अपनी उजी में सप्रेसर लगाना है ना एरिना ट्रेनिंग में, उसको पहले स्कोर पर उठाओ और फिर उजी उठा लो, या उजी उठा लो या पहले स्कोर पर उठा लो, ये सेम ही बात है। और जो वो होता है ना स्कॉर्पियन का वो सप्रेसर, आपको ना उसका जो सप्रेसर है वो लगा लेना। और उसका जो सप्रेसर है, मतलब सप्रेसर नहीं है, मतलब उसका जो मैग है आपको उसमें लगा देना है। और जैसे आप फिर अगर आप मर के फिर से जिंदा हो गए ना, सप्रेसर उसी में लगा रहेगा, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सप्रेसर ऐसे लगेगा। और अगर AR में लगाना है तो AR का पता नहीं है, और स्नाइपर में तो लगा हुआ ही आता है वैसे। अगर कॉन्सेंट्रेट में लगाना है तो उससे ले लो, मतलब आते हैं यार, पता नहीं है, अभी नहीं पता यार, बाद में बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और कल मैंने डाली थी शॉर्ट वीडियो, और ये हमारी डेली वीडियोस का नाइन्थ वीडियो चल रही है ये, ठीक है। अभी 68 वीडियोस और आएंगी, ठीक है, 68, 67 या 69। मैं 77 डेज का कहा था ना, और अभी हो गए ये 9th है, और हाँ 60 डेज ही हो जाएंगे, 68 डेज इसको डाल के, ओके। और रोल पास, यार रोल पास अभी 200 नहीं हुए, और अभी 6 और बाकी है, 6 और हो जाए फिर 200 कम्प्लीट हो जाएंगे, एक बंदे को रोल पास मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं फिर से मिलता हूँ, और देखो यहाँ पे पहले पाली होती है। अगर गाइस एक टारगेट रखते हैं, चलो अगर 2 वीक्स में 200 नहीं हुए तो रोल पास नहीं मिलेगा। 2 वीक्स में 200 भाई, बस 2 वीक्स में अगर 6 भी बढ़ा दो ना, मतलब 6, तो भाई मिल जाएगा, ठीक है। और जिसको भी चाहिए रोल पास, अपनी UID लिख देना, उसकी ID पर सेंड हो जाएगा रोल पास, ठीक है। और फिर या अब गेम फोकस करो। चलो यहाँ पे मैं पहलता हूँ बंदे, 17-70 तो गए थे इस मैच में, अच्छे खासे खेल चले जाते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं। और भाई मैं बंदों पे नेट फेंकता हूँ, मुझ पर आधा खुद फेंक जाता है नेट, अच्छा हुआ मैं मरा नहीं है, वरना मेरे डेड काउंट हो जाते। तुम कहते भाई नूबड़ा ये वो, इसलिए भाई इसलिए हम मरे नहीं। और फिर ये बंदा मुझे मार देता है भाई। अरे भाई किसी का फ़ोन आ रहा था यार, कंपनी भाई, अगर तुम्हारे फ़ोन पे कंपनी के फ़ोन आते हैं ना तो सब्सक्राइब मारो, देखो। और भाई फिर पता नहीं किसका आया फ़ोन, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊँगा, आपको खुद वीडियो में देख लेना, ठीक है। और मैं नाम नहीं बताऊँगा भाई, नंबर तो देखेगा ही नहीं भाई वैसे भी। और फिर यहाँ पर 23-23 हो गए थे, और फिर मैं यहाँ पर पहलता हूँ, पीछे से वार करता है, और फिर इसको पहलते हैं। 3 स्टैक का हो गया था, 27-4, 24, और फिर मैं इसको पहलता हूँ। 2 बंदे आ गए थे मेरे सामने, इसको फायर देता हूँ, एक भी बंदे को नहीं मार पाता, क्योंकि एक बंदा राइट से जाए, एक बंदा लेफ्ट से आ रहा, भाई पहले किसको मारूँ फिर बाद में किसको मारूँ, बताओ ना। और फिर मैं बंदे करते हूँ मार के, होते हैं यहाँ पे बंदे, मारो मारो मारो, पीटो मारो। और भाई लास्ट में देखना भाई, ये बंदे लास्ट में बस एक किल कर लेते हैं, एक किल से जीत जाते हैं। मैं जो टीममेट है ना यार, एक नूबड़ा, मतलब 3-4 नंबर, वो जाके उनके पास कहते हैं मुझे मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो, इसलिए यार वो टीम जीत जाती है, बस हम एक किल से आ जाते हैं। और भाई पूरी वीडियो देखो, सब कुछ पता चलेगा। और देखो यार अभी वीडियो ज़्यादा थोड़ी ना बची है, तुम थोड़ी सी और देख लो, मज़े आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे देखो यार, ये बंदे ना आके मुंह पे आ जाते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, और फिर हम लेट के प्रोन दे के फायर देते हैं, और यहाँ पे हो गया था हमारे 10 किल्स। तो गाइस यहाँ पे देखना भाई तुम, अगर तुमने यहाँ पे नहीं देखा ना भाई, तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक है। यहाँ से उठाता हूँ मैं M249, फिर भाई देखो अब देख लेना अब कैसे दबाता पहलूँगा। देखो इसको पहला, फिर वहाँ पे मेरा टीममेट मार करता है, और उसको पहला भाई पीछे से वार करता था मैं, और फिर मैं उधर साइड से गया, क्योंकि मेरे टीममेट को वहाँ से फायर लगाया था ना, मैं सोचा बंदे, फिर मैं इसको पहला,
ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था, फिर मैंने फिर पहल दिया भाई, इनने मेरी वनश भी कर दी थी, फिर हमने इसको पहल दिया, तीन का कॉम्बो भाई, तीन का कॉम्बो आराम से। इस वाले बंदे ने 3 नंबर को